तो बात करते हैं जब भी प्रीमियर लीग में टाइटल रेस की। अभी तक जितनी भी बात करी है कि कौन फेवरेट्स हैं, कौन दो तीन टीम्स हैं जो टाइटल के लिए लड़ेंगी आपस में, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये जो दिसंबर और जनवरी फर्स्ट वीक वाला जो पीरियड होता है ना, जिसमें बैक टू बैक फिक्स्चर्स होते हैं, हर दो दिन में एक फिक्स्चर खेलना है आपको, फिर एफए कप भी आ जाएगा थोड़े टाइम बाद, तो ये पीरियड जो टीम अच्छे से नेगोशिएट कर लेती है उस टीम का चांस होता है आगे जाके टाइटल जीतने का। अब हम देख रहे हैं जैसे लिवरपूल कल लेस्टर से हार गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि चेल्सी जैसे ड्रॉप करी पॉइंट्स और 6 पॉइंट का एक कुशन था चेल्सी के पास, 5-6 पॉइंट का एक कुशन था, वो उन्होंने बॉटल कर दिया। और बर्नली, मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक एवर्टन के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करना, वेस्ट हैम के अगेंस्ट हार जाना लीड पे रह के, तो बहुत सारा सवाल उठने लगे चेल्सी पे कि क्या चेल्सी मतलब जीत पाएगी टाइटल, या टाइटल रेस में है चेल्सी। मतलब बहुत लोगों का तो ये मानना है कि टाइटल रेस में नहीं है चेल्सी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर आया जब एस्टन विला के अगेंस्ट जीते हैं, लुकाकू की वापसी हुई है, तो थोड़ा लग रहा है कि हाँ शायद कुछ हो जाए। लिवरपूल की कोई बात नहीं कर रहा था इतनी ज़्यादा इस दौरान, तो लिवरपूल के साथ बस ये था कि सबको पता था एफकॉन में माना और साले दोनों चले जाएंगे साला और माने दोनों चले जाएंगे, तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करेगी क्योंकि उनके दो मेन प्लेयर हैं फॉरवर्ड लाइन में, और उनके जैसा तो छोड़िए, मतलब उनके आसपास भी लेवल का कोई उनके पास बैकअप नहीं है। मतलब जो सेकंड फिडल टीम है वो शायद उस लेवल की नहीं है जिस लेवल के साला और माने प्लेयर्स हैं। पता नहीं क्यों स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, दोनों का नाम मिक्सअप हो रहा है। अब कल क्या हुआ, लेस्टर से मैच हार गई है लिवरपूल, एंड ऑब्वियसली जो टाइटल रेस है उसमें मैनचेस्टर सिटी को फ़ायदा हो जाता है बिकॉज अब वो 6 पॉइंट क्लियर हैं। मैच की ज़्यादा बात करूंगा नहीं मैं, लिवरपूल वर प्लेइंग रियली गुड, साला की पेनल्टी सेव करी श्माइकल ने काफ़ी अच्छे तरीके से, और 3-4 बहुत अच्छे अच्छे चांसेस भी मिले लिवरपूल को। साला को ही एक और अच्छा चांस मिला था हाफ वॉली पे काफ़ी क्लोज रेंज में, जो श्माइकल ने बहुत अच्छे से सेव किया। उसके बाद माने के पास बहुत अच्छा चांस था सेकेंड हाफ के लास्ट 10 मिनट में, जब ट्रेल कर रही थी लिवरपूल तब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट किए हुई थी। सिमिकास आई थिंक हैड अ ब्रिलियंट गेम, बहुत अच्छा गेम था सिमिकास का, ऐसा लगा ही नहीं कि रॉबर्टसन नहीं खेल रहा था वहाँ पर लेफ्ट बैक पे। एक चांस मिलता है लेस्टर को काउंटर पे, और वो सकर पंच बोलते हैं ना कि एकदम से अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आपने मार दिया, कॉट दी अदर टीम ऑफ गार्ड, और लुकमैन का शानदार फिनिश नियर पोस्ट पे बीटिंग एलिसन, तो उसका फ़ायदा उठाया लेस्टर ने और डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रखा, और इस वजह से जीत गई लेस्टर, जो कि उनको करना था क्योंकि उनका भी रन ऑफ फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है और उस एक्सपेक्टेशन से भी नहीं खेल रही है लेस्टर। बात करते हैं थोड़ी सी टाइटल रेस की। अब बात क्या है कि लिवरपूल का, जैसे मैंने कहा, कोई उन पर बात नहीं कर रहा था, वो भी था कि वो टाइटल रेस में है। अब अगर हम पॉइंट्स टेबल पर एक बार नज़र डाल लें तो 19 मैच हो चुके हैं, तो मैनचेस्टर सिटी आर 6 पॉइंट्स क्लियर ऑफ बोथ लिवरपूल एंड चेल्सी 47 पॉइंट्स पे, और अब लिवरपूल और चेल्सी जो हैं वो बराबर हो गए हैं 41 पॉइंट्स पे, और आर्सेनल भी अब धीरे धीरे कर रही है टेबल में चढ़ाई, और देख सकते हैं आप 6 पॉइंट ही पीछे हैं। तो इफ़ वन ऑफ द टीम्स इज़ टू बॉटल अनदर गेम तो आर्सेनल को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। मेरा इस सब में एक टेक ये है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा था कि चेल्सी जो है वो टाइटल रेस से बाहर हो गई 1 हफ्ते पहले तक, और लिवरपूल के लिए इतना कुछ नहीं बोला जा रहा था, बट अब शायद लिवरपूल के लिए अभी भी इतना नहीं बोला जा रहा, बट सेम पॉइंट्स हैं चेल्सी और लिवरपूल के, तो यार या तो आप बोलो कि दोनों ही टाइटल रेस में नहीं है, या बोलो कि चेल्सी और लिवरपूल दोनों टाइटल रेस में है। तो ऐसा क्यों है कि चेल्सी टाइटल रेस में नहीं है और लिवरपूल अभी भी टाइटल रेस में, पॉइंट्स तो बराबर है दोनों के। अगर लिवरपूल से जीत जाती है चेल्सी 2 तारीख को जो मैच है उनका, और 3 पॉइंट की लीड ले लेती है, इट्स अ स्ट्रेट 6 पॉइंट है, मुश्किल है वैसे तो, आई स्टिल पुट लिवरपूल फेवरेट्स गोइंग इनटू दैट गेम, बट आई थिंक टाइटल रेस अभी बोलना कि ख़त्म हो गई है, हाँ सिटी आर डेफिनेटली द रनअवे लीडर्स, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है। लिवरपूल सिटी का मैच आपस में बाकी है, चेल्सी और सिटी का मैच बाकी आपस में, चेल्सी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट टाइटल रेस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, एंड ऑब्वियसली आई थिंक मैनचेस्टर सिटी विल लिफ्ट द ट्रॉफी फ्रॉम हेयर। अगर मैं अपनी अनबायस ओपिनियन दूँ तो आई वुड लव नथिंग मोर देन चेल्सी लिफ्टिंग द प्रीमियर लीग, क्योंकि भाई 2017 के बाद से अभी तक टाइटल जीता नहीं है चेल्सी ने, और काफ़ी हाई टाइम है कि हमने स्टैमफर्ड ब्रिज में प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीती है, लेकिन इस समय मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला दोनों ही अनस्टॉपेबल लग रहे हैं। लेकिन अब हमको थोड़ा सा लिवरपूल का फॉर्म भी क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गलत टाइम पे उन्होंने 3 पॉइंट ड्रॉप करे हैं अगेंस्ट लेस्टर। अब अगर आप देखें तो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस खेलने चले जाएंगे दोनों चेल्सी के मैच के बाद
सादियो माने और मोहम्मद साला, और सादियो माने भी नहीं होंगे चेल्सी वाले मैच में क्योंकि सेनेगल ने परमिशन नहीं दी है, तो एडवर्ड मेंडी भी नहीं होंगे चेल्सी के लिए, सादियो माने भी नहीं होंगे लिवरपूल के लिए। इजिप्ट ने परमिशन दे दी है मोहम्मद सालो को, वो लेट ज्वाइन कर सकते हैं अपनी टीम को, बट तब भी आई थिंक स्ट्रगल करेगी लिवरपूल की टीम। और ये जो पीरियड है काफ़ी क्रूशल है क्योंकि लिवरपूल को अभी कारावाओ कप में भी खेलना है और बेंच स्ट्रेंथ नहीं है लिवरपूल के पास। कल हम देख रहे थे व्हेन दे वर लुकिंग फॉर अ गोल, तो वही ऑप्शन है उनके पास, वो फर्मिनो को बेंच से लाना और जेम्स मिलनर को ले आना थोड़ा सा अटैकिंग आउटपुट देने के लिए फबीनियो को हटा के, तो बहुत लिमिटेड बेंच पे ऑप्शंस है, बहुत बहुत प्रेडिक्टेबल है क्लॉप के सब्सटीट्यूशंस जो भी वो करेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है बेंच पे, तो उनकी गलती भी नहीं है, तो जो उनके पास अवेलेबल है वो उसी में से ही प्लेयर्स खिलाएंगे। तो यहाँ पर लिवरपूल जो हम कहते आ रहे शुरू से कि स्क्वाड डेप्थ नहीं है, स्ट्रगल कर सकती है, अब वो स्क्वाड डेप्थ जो है वो टेस्ट होगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम अरसे में बहुत सारे मैचेस हैं, और अगर जनवरी एंड तक हमको किसी भी तरीके का यहाँ पर देखने को मिला कि लिवरपूल ने 3-4 मैच में कुछ भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, तो आई थिंक इट विल बी ऑल ओवर, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ की जहाँ तक बात करें तो शायद उतनी स्क्वाड डेप्थ नहीं है लिवरपूल के पास जितनी चेल्सी या मैनचेस्टर सिटी के पास है। ऑन दी अदर एंड चेल्सी की बात कर ले टाइटल रेस में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फिक्स्चर्स हैं और चिलवेल इज़ आउट फॉर द होल सीज़न, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। देखते हैं लुका डीनिया को लेके आते हैं कि नहीं, या लेफ्ट बैक पे फिर किसको खिलाते हैं, क्योंकि मार्को अलोंसो से तो हो नहीं पाएगा भैया, मतलब मेरे को नहीं लगता कि पूरा सीज़न आप मार्को अलोंसो से सस्टेन कर लोगे, स्पेशली व्हेन यू हैव कारबाओ कप का सेमीफाइनल, फिर FA कप चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद चैम्पियंस लीग का आपको राउंड ऑफ 16 खेलना है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। चेल्सी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऑन पॉइंट रहना है अब यहाँ से, और बिल्कुल भी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करने, और मैं ये बोलूँगा और आई नो कि हो सकता है आज रात को जो ब्राइटन से मैच है उसमें चेल्सी पॉइंट ड्रॉप कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एज अ चेल्सी फैन आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम, और गोइंग इन टू द न्यू ईयर आई थिंक हमको एक वो अपना स्टेटमेंट रखना पड़ेगा कि भाई हम हैं अभी भी टाइटल रेस में, एंड लिवरपूल और सिटी को पुश करते रहना पड़ेगा, एंड आई थिंक अभी चेल्सी के पास एडवांटेज है टू कंसोलिडेट दैट सेकंड प्लेस, क्योंकि लिवरपूल थोड़ा सा प्लेयर्स की एब्सेंस में स्ट्रगल कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड लुकाकू इज़ बैक एंड ही वाज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट दी अदर डे अगेंस्ट एस्टन विला, तो अगर लुकाकू स्टार्ट्स फायरिंग देन ओनली चेल्सी हैव सम काइंड ऑफ चांस ऑफ यू नो ट्राइंग टू चैलेंज सिटी फॉर दैट टाइटल एंड टेकिंग दैट टाइटल रेस डाउन टू द वायर। तो ये है, बट एज थिंग स्टैंड आई डोंट थिंक कि अभी सिटी को आप चैलेंज कर सकते हैं, बट These are very unpredictable times that we live in. COVID की situation कब ख़राब हो जाए किस camp में पता नहीं। आज news आ रही है कि Mikel Arteta को COVID हो गया है, तो वो एक बहुत बड़ा setback है Arsenal के लिए, and he might not be available on the sidelines against Manchester City. तो हमने देखा था जब Steven Gerrard नहीं थे available Aston Villa के लिए तो वो भी struggle कर रहे थे tactically on the field, और यहाँ तो हम Manchester City की बात कर रहे हैं Arsenal के against, तो definitely Arsenal is going to miss Mikel Arteta and its presence on the touchline, क्योंकि एक बहुत यंग टीम है और बिना managerial direction के कैसा परफॉर्म करेंगे वो देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। बट आई थिंक इफ आई वर टू पुट माई मनी ऑन अ टीम टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल इट विल बी मैन सिटी, बट आई एम होपिंग कि चेल्सी कुछ कमाल कर दे एंड मतलब सिटी कुछ पॉइंट्स ड्रॉप कर ले तो शायद चेल्सी को फ़ायदा हो जाए, बट ऐसा लगता नहीं है देख के जिस तरीके की प्रीमियर लीग टाइटल रेस चल रही है। तो ये था छोटा सा एक रिएक्शन और क्या मुझे लगता है कि टाइटल रेस में हो सकता है, बट हाँ टाइम टू क्वेश्चन लिवरपूल्स बेंच स्ट्रेंथ एंड देयर स्क्वाड डेप्थ नाउ, और इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर देम, और अगर इंजरीज से कोई उनका मेन प्लेयर बाहर हो जाता है, विच आई होप नहीं होना चाहिए किसी भी टीम के लिए, मैं कभी ऐसा होप नहीं करूँगा कि ऐसा हो, बट हो जाता तो देन ऑल्सो इट विल बी अ वेरी टेस्टिंग टाइम फॉर देम, क्योंकि हमने देखा था लास्ट सीजन इंजरीज से कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था लिवरपूल ने, तो बैकअप की कमी तो है। तो देखते हैं क्या होता है गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है हु इज़ गोइंग टू लिफ्ट द प्रीमियर लीग ट्रॉफी, आधा सीजन हो चुका है, आधा सीजन बाकी है, तो विच टीम हैज़ द बेस्ट चांस, आई थिंक इट्स मैन सिटी, आप भी मुझे बताएं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।